चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि विभाजन के बाद जो है संविधान सभा में कितनी सीटें बची। हमने देख लिया विभाजन से पहले 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को जब भारत का विभाजन हो गया, तो भारत के विभाजन के बाद जाहिर सी बात है जो संविधान सभा में नंबर ऑफ सीट्स थी, यानी मेंबर की जो संख्या थी, सदस्यों की जो संख्या थी, वो घट जानी है, क्योंकि कुछ प्रांत, कुछ ऐसी रियासतें थी जिनको हमने पाकिस्तान को दे दिया और भारत और पाकिस्तान दो अलग स्वतंत्र मुल्क के तौर पर उभरे। तो विभाजन के बाद अब हम देखते हैं संविधान सभा की स्थिति, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल इससे लोअर में भी पूछे गए हैं, अभी तक जो पीएससी कराती थी, यूपीपीएससी जो कराई है, और यूपी ट्रिपल एससी में भी इससे सवाल पूछे गए हैं। तो जाहिर सी बात है लोअर में सब इससे संबंधित सवाल आने की संभावना है आपके पास, और थोड़ी सी चीज ये भी है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, स्वतंत्रता से पूर्व सीटों की संख्या थी 389, ये सीटों की संख्या है स्वतंत्रता से, मतलब विभाजन से पूर्व, ठीक है, विभाजन से पूर्व सीटों की संख्या थी 389, जब डिवाइडेशन हो गया, ठीक है, तो सीटें घटकर आ गई 299 पर, सीटों की संख्या अब हो गई 299। ये सीटें कब हुई, जब आपका डिवाइडेशन हो गया, विभाजन हो गया, ठीक है। तो विभाजन के बाद अगर आपसे सवाल पूछता है संविधान सभा की सीटें कितनी हुई, तो 299। दूसरी चीज और पॉइंट्स देख लेते हैं, पाकिस्तान को हमने क्या क्या सौंपा, पाकिस्तान को हमने सौंपे थे कुछ प्रांत, ठीक, कुछ रियासतें। तो पाकिस्तान को जो दी गई रियासतें थी, यानी दिए गए जो प्रांत थे, पहले उनको देख लेते हैं और फिर दी गई रियासतों को देखेंगे। तो पाकिस्तान को कितने प्रांत सौंपे गए थे, 4 सौंपे गए। कौन कौन से वो प्रांत हैं उनको देख लेते हैं। पाकिस्तान को हमने सौंपा था सिंध, ठीक है, दूसरा सौंपा था हमने असम का सिलहर जिला, जिसको आज सिलचर जिला के तौर पर जानते हैं, असम का सिलहर जिला, ठीक है, आज इसको सिलचर जिला के तौर पर जानते हैं। जब हम पार्ट वन पढ़ेंगे तो आज ये हम में कैसे शामिल है, इस बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। तीसरा प्रांत हमने सौंपा था उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश, जिसको आप नेफा के नाम से जानते हैं। आज इसकी कंडीशन क्या है कि इसको हम जानते हैं अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं। चौथा जो प्रदेश था जिसको हमने पाकिस्तान को सौंपा था, वो आपका प्रदेश, पहला तो सिंध हो गया, दूसरा असम का सिलहर जिला हो गया, तीसरा हो गया उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, यानी नेफा, आधुनिक आपका अरुणाचल प्रदेश, और जो चौथा इसका प्रांत था पाकिस्तान का, ठीक है, वो आपका प्रांत बना आज, जिसको आप किस नाम से जानते हैं, बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। पहले इसको जानते थे पूर्वी बंगाल के नाम से, बंगाल, क्योंकि पूर्वी बंगाल में मुस्लिमों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए ये हमने सीधा सीधा पाकिस्तान को दे दिया। तो चार प्रांत पाकिस्तान को सौंपे गए, सिंध था, असम का सिलहर जिला था, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश था, और पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल बाद में पाकिस्तान से 1971 में युद्ध हुआ है, आप जानते हैं, और ये आज बांग्लादेश के तौर पर जाना जाता है। रियासतें कौन कौन सी हमने पाकिस्तान को सौंपी, उनको भी देख लें, रियासतें, ठीक है, जो पाकिस्तान को गई, पाकिस्तान को सौंपी गई। आप जानते हैं कि विभाजन से पूर्व भारत में देसी रियासतों की संख्या थी 600, हमारे पास 600 देसी रियासतें थी विभाजन से पूर्व। उसके बाद जब डिवाइडेशन होता है, यानी पाकिस्तान एक अलग मुल्क बनता है, तो 52 ऐसी देसी रियासतें थी, 52 देसी रियासतें पाकिस्तान को चली गई, और इन रियासतों के बाद हमारे पास बसते हैं 548, इतनी रियासतें भारत के पास बची। तो जाहिर सी बात है आपको ध्यान है कि 600 देसी रियासतें जो थी, इनके लिए क्या किया गया था, 93 सीटों का अरेंजमेंट हुआ था, जिन पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चुनाव होकर आना था। जब चुनाव हुए, चुनाव का रिजल्ट आया, तो रिजल्ट में आपने देखा था, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो देसी रियासतों की एक तरीके से संख्या थी, सीटें थी, ये भर नहीं पाई। क्यों नहीं भर पाई, क्योंकि जो प्रतिनिधि थे देसी रियासतों के, उन्होंने इसमें भाग लिया ही नहीं।
ठीक है, देसी रियासतों के प्रतिनिधि ने इसमें भाग नहीं लिया, इसलिए देसी रियासतों की सीटें भर नहीं पाई थी। अब हम बात करते हैं, चार प्रांत ये हो गए, अब देख लेते हैं कि सीटें जो 299 ये कौन कौन सी बची हैं। आइए एक बार इस पर देखते हैं, नजर डालते हैं, सवाल वो भी बहुत जरूरी है, ये आप ध्यान रखिएगा। देसी रियासतें 52 पाकिस्तान को गई, 548 भारत में रही, चार प्रांत पाकिस्तान को सौंपे गए, सिंध, असम का सिलहर जिला, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश, चौथा आपका पूर्वी बंगाल। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि सीटें, कितनी सीटें किसके पास रह गई, क्योंकि मैंने आपको अलग अलग पूरा बताया था कि इतनी सीटें किसको दी गई, जो है 296 सीटें ब्रिटिश भारत जिन पर चुनाव लड़ा था, बाकी जो सीटें थी 93 वो देसी रियासतों को दी गई थी। ठीक है, तो अब हम एक बार देखते हैं कि 299 जो सीटें अब हमारे पास बची, 299 जो सीटें हमारे पास बची, इन सीटों में कहां से कितना कितना रह गया। ब्रिटिश भारत को विभाजन से पूर्व हमने कितना दिया था, अगर हम बात करें ब्रिटिश भारत की, तो ब्रिटिश भारत को विभाजन से पूर्व दिया था, सीटें जो डिवाइड की गई थी विभाजन से पूर्व, उन सीटों की संख्या थी 296, 292 प्लस 4, ठीक है, चार जो है कमिश्नरी से चुन के आने थे, 292 सीटें 11 प्रांतों से चुनकर आना था। विभाजन के बाद जो सीटें बची 296 में, विभाजन के बाद ये सीटें रह गई सिर्फ आपकी कितनी, 229 सीटें, 229, 229 सीटें बची विभाजन के बाद। दूसरी चीज अब हम देखें, देसी रियासतों को जो दिया गया था, सबसे पहले देसी रियासतों को पहले दिया गया था विभाजन से पूर्व कितनी सीटें, विभाजन से पूर्व इनको दिया गया था 93 सीटें, 93 सीटें विभाजन से पूर्व दी गई थी, लेकिन जब विभाजन हो गया 58 देसी रियासतें पाकिस्तान को चली गई, तो बाकी अब इनकी सीटों की संख्या केवल बची 70 सीटें बची विभाजन के बाद। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि 229 यहां बची, 70 यहां बची, दोनों का सम करेंगे 299 होगा। ठीक है, तो ये विभाजन के बाद संविधान सभा में बची हुई सीटें थी। अब हम मित्रों आगे बढ़ते हैं, इसमें और एक चीज देखें, ये जो 299 सदस्य थे, ये अब जुड़ते हैं संविधान को बनाने में। आप जानते हैं संविधान को बनने में लगभग 3 वर्ष यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इन पर बहुत सारी कमिटियां बनी, अलग अलग कमिटियां थी, उनके अलग अलग कार्य थे, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे, क्योंकि उनसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें जो 3 बैठकों के बारे में हमने शुरुआत में डिस्कस किया कि 9 दिसंबर 11 और 13 क्या क्या उसमें रहा, अस्थाई अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष, संवैधानिक सलाहकार और जो है 2 उपाध्यक्ष, ये सारे चुने गए। तीसरी बैठक 13 दिसंबर उसमें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आया या रिजोल्यूशन आया, उद्देश्य प्रस्ताव आया, बाद में स्वीकृत हुआ 22 आपका जनवरी को। इन तमाम चीजों के बारे में हम बात कर चुके हैं आपसे। अब हम बात करते हैं इसमें जो अधिवेशन हुए थे, 11 अधिवेशन हुए थे, 11वां अधिवेशन आपके लिए बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि इससे सवाल कई बार पूछा है और तमाम अलग अलग तरीके से सवाल पूछता है, जो 11वां अधिवेशन हुआ था इसका। ठीक है, 11वां अधिवेशन संविधान सभा का हुआ, इसकी डेट से सवाल पूछे जाते हैं, डेट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैं लिखूंगा आप तुरंत जान जाएंगे। 11वां अधिवेशन हुआ था 26 नवंबर 1949, ठीक है, ये वो दिन है जिस दिन संविधान सभा में संविधान को अंगीकृत किया गया, इस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था, आत्मार्पित एक तरीके से किया गया था, यानी संविधान सभा के जितने सदस्य थे उन्होंने संविधान को मान लिया पूरी तरीके से कि हमारा संविधान ये बनेगा 26 नवंबर 1949। इसीलिए 26 नवंबर की जो डेट है आज भी भारत में किस रूप से जानी जाती है, इसको संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है कि संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा है संविधान सभा के द्वारा संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, तो ये हुआ था आपका 26 नवंबर 1949 की बात है। दूसरी चीज, संविधान सभा 2 तरीके से कार्य करती थी, एक तो संविधान सभा जो वर्तमान में संविधान को बना रही थी, दूसरे तरीके पर इसका कार्य था कि विधायिका के तौर पर कानूनों का भी निर्माण करना, क्योंकि भारत एक जो है
स्वतंत्र राष्ट्र बन चुका था, हम पर अब शासन ब्रिटेन नहीं कर रहा था, ब्रिटिश नहीं कर रहे थे, यानी हमें अपने नागरिकों के लिए कानून व्यवस्था भी बनानी थी। तो जब संविधान सभा की बैठक बतौर संविधान सभा होती थी तो इसके एक तरीके से स्पीकर या अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन जब इसकी बैठक बतौर विधायिका होती थी तो इसके अध्यक्ष होते थे गणेश वासुदेव मावलंकर। आपसे पूछता भी है कि लोकसभा के बाद में लोकसभा के पहले स्पीकर भी बने थे गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है, जीवी मावलंकर के तौर पर शॉर्ट फॉर्म में आप पढ़ते हैं। तो इतनी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं आपसे, अब हम बढ़ते हैं इसके बाद। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा संविधान सभा की समितियों के बारे में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि समितियों से संबंधित सवाल चाहे आपका यूपीपीएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, ठीक है, या वनडे के कोई भी एग्जाम्स होते हैं उनमें इनसे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो अगला पॉइंट आपका है संविधान सभा की समितियां, संविधान सभा की समितियां, कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है, इस पॉइंट पर थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं और व्यापक रूप से देखो। संविधान सभा में जो समितियां बनी ये दो प्रकार की समितियां थी, ठीक है, थोड़ा व्यापक रूप से इसको समझते हैं। एक तो संविधान सभा की जो समिति बननी थी वो बननी थी प्रक्रिया समिति, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं प्रोसीजर। दूसरी समिति बनी थी विषय समिति, ठीक है, विषय समिति यानी सब्जेक्ट कमिटीज। प्रक्रिया समिति का कार्य क्या था, इसका कार्य था कि संविधान को बनाया कैसे जाए, आखिर संविधान बनाया कैसा जाए, उसकी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, इस चीज में संविधान बनाने की प्रक्रिया का निर्माण कार्य करना था इसका, संविधान बनाने की प्रक्रिया का कार्य किसको सौंपा गया, प्रक्रिया समिति को। और विषय समिति का अर्थ था कि प्रक्रिया समिति जिन प्रोसीजर को बताती है उस प्रोसीजर को फॉलो करके संविधान का निर्माण करना, इसका कार्य था संविधान का निर्माण करना, ठीक है, दोनों अलग अलग पॉइंट्स थे। इनमें कौन कौन सी समितियां थी, झंडा समिति हो गई, ठीक है, राष्ट्रमंडल समिति बनी, तमाम नागरिकता समिति बनी, ठीक है, ये सारी चीजें देसी रियासतों के एकीकरण से संबंधित समिति बनी, ये सब थी क्या थी, विषय संबंधित, यानी उस समय हमारे पास जो इश्यूज थे, सब्जेक्ट्स थे, मुद्दे थे, उन विषयों पर कानून बनाने की सारी जिम्मेदारी थी विषय समिति की। प्रक्रिया समिति में इसमें बहुत सारी समितियां आती हैं, संचालन समिति हुई यानी संविधान सभा चलेगी कैसे, संचालन समिति, ठीक है, इसी में एक समिति का नाम था प्रक्रिया समिति, और कई ऐसी समितियां हैं जो प्रक्रिया समिति के अंतर्गत आती हैं और इनका कार्य था प्रोसीजर को बनाना कि आप प्रोसीजर तैयार करो, जो संविधान सभा की सारी कमेटियां अन्य हैं वो उस प्रोसीजर को फॉलो करेंगी, किस लिए, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम इसके बाद बात करेंगे संवैधानिक सलाहकार बी एन राव की, ठीक है, वी एन राव वेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम था, ठीक है, क्यों जरूरी है आप जानते होंगे क्योंकि इससे पूर्व मैंने आपको बताया है कि वी एन राव, ठीक है, वी एन राव या बी एन राव जो भी आपको मिलता है, इनका पूरा नाम था वेनेगल नरसिंह राव। कानून के अच्छे ज्ञाता थे और यह व्यक्ति वेनेगल नरसिंह राव ये भारत प्रथम वह भारतीय है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जस्टिस के तौर पर कार्य किया 1950 से 1954 तक, ठीक है, इसीलिए इस व्यक्ति को क्या बनाया गया था, संवैधानिक सलाहकार, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के तौर पर इन्होंने कार्य किया, संवैधानिक सलाहकार के तौर पर कार्य किया था, प्रथम वह भारतीय जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के तौर पर आपका वर्क किया, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज, इनके कार्य की, इनके भूमिका की। तो वी एन राव का जो मुख्य रूप से कार्य था, वेनेगल नरसिंह राव का, इनका कार्य था संविधान का प्रथम प्रारूप, ठीक है, भारतीय संविधान कैसा होना चाहिए वो प्रथम प्रारूप बना के संविधान सभा के समक्ष रखने वाला प्रथम व्यक्ति था वी एन राव, ठीक है। तो इन्होंने संविधान का प्रथम प्रारूप बनाया,
संविधान का प्रथम प्रारूप बनाया, उस प्रथम प्रारूप को संविधान सभा के समक्ष रखा, प्रथम प्रारूप बनाकर संविधान सभा के समक्ष रखा, संविधान सभा के समक्ष रखा। तो ये बात हो गई बीएन राव की। अब वो डेट क्या थी, डेट भी पूछा जाता है, वो डेट आपकी थी 21 फरवरी 1947, ठीक है, 21 फरवरी 1947 को संविधान का प्रथम प्रारूप संविधान सभा के समक्ष संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वीएन राव ने रखा। ये जो संविधान इन्होंने तैयार किया था इसमें 243 अनुच्छेद पूछा गया है, 243 आर्टिकल्स और 13 शेड्यूल्स थी, ठीक है, 13 अनुसूचियां थी और 200 आपके 43 अनुच्छेद थे। ये पूछा है, ये डेट पूछा है, प्रथम प्रारूप कब बनाकर रखा गया। दूसरी चीज, जब संविधान का मसौदा तैयार हो गया, प्रारूप तैयार हो गया, तो इसी प्रारूप पर बात करने के लिए एक कमिटी का निर्माण होता है जिसका नाम है प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमिटी में 7 सदस्य होते हैं, इन सदस्यों से संबंधित सवाल आपसे पूछे जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमिटी के बारे में, अन्य कमिटियों के बारे में भी मैं बात करूंगा लेकिन वो इसके बाद होगा। तो अब हमें बात करना है ड्राफ्टिंग कमिटी, ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस कमिटी की अगर हम बात करें, ठीक है, इससे सवाल कैसे कैसे, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रारूप समिति, ठीक है, प्रारूप समिति के अलावा किन नामों से जाना जाता है यह आपके लिए जानना जरूरी है क्योंकि सवाल पूछा है। इसको मसौदा समिति भी बोल सकते हैं आप, ये भी इस नाम से भी सवाल पूछा है। एक सवाल यूपीपीसीएस में भी यह भी पूछा था कि पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसको पांडुलेखन समिति के तौर पर भी जाना जाता है, यह चीज आप दिमाग में रखें जरूर, ठीक है। प्रारूप समिति या मसौदा समिति या पांडुलेखन समिति, इनके जो अध्यक्ष थे, ये अध्यक्ष थे डॉक्टर वी आर अंबेडकर। अब हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। सबसे पहली चीज, डॉक्टर वी आर अंबेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया प्रारूप समिति या मसौदा समिति या पांडुलेखन समिति। तो इसमें एक चीज और देखते हैं कि इस समिति का गठन जो हुआ वो किस दिन हुआ, ये डेट भी आपसे पूछी जाती है। इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ, किस वजह से हुआ, वीएन राव के द्वारा पेश किए गए संविधान पर विचार विमर्श करने के लिए एक मसौदा समिति का गठन किया गया जिसमें 7 सदस्य थे, इसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वी आर अंबेडकर। अच्छा, थोड़ा सा एक पॉइंट मैं आपसे इसमें ले चलता हूं, बी आर अंबेडकर के बारे में थोड़ा सा जान ले क्योंकि इनसे संबंधित सवाल पूछा है और ये इसी के पार्ट के, इनके जन्म से संबंधित सवाल पूछा है कि इनका जन्म कहां हुआ था बी आर अंबेडकर का। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, 14 अप्रैल 1891 को कहां पर हुआ था, महू, ठीक, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी अगर मृत्यु की बात करें, आप जानते हैं ये बहुत फेमस आपके वकील थे, बहुत जिन्होंने भारतीय संविधान को बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। इनकी जो मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1965 को हुई थी, 6 दिसंबर 1965 को हुई थी, कहां पर हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। दूसरी चीज और सवाल क्या पूछता है, यह पूछता है विभाजन से पूर्व इनका निर्वाचन कहां से किया गया था, तो विभाजन से पूर्व इनका निर्वाचन, यह पूछा है अभी पिछले उसमें, विभाजन से पूर्व निर्वाचन इनका, यह निर्वाचन हुआ था कहां से, पूर्वी बंगाल से हुआ था। और जब विभाजन हो गया तो पूर्वी बंगाल जानते हैं कि पाकिस्तान का पार्ट बन गया, तो विभाजन के बाद यह पूछा है सवाल कि विभाजन के बाद इनका निर्वाचन कहां से हुआ। विभाजन के बाद अगर देखें तो इनका निर्वाचन हुआ था आपके कहां से, बंबई से, ठीक है, बंबई से इनका निर्वाचन किया गया। और यह विभाजन के बाद, और कहां पर, बंबई प्रेसिडेंसी के पूना सीट से हुआ था, पूना, हाँ ऐसा पूछा है, पूना सीट से हुआ था। वहां पर कांग्रेस के एक सदस्य थे, उनको जो है त्यागपत्र दिलाया गया और फिर उनकी सीट पर इनका चुनाव किया गया था विभाजन के बाद, किसका, बी आर अंबेडकर का। अब हम बात कर लेते हैं इनके सदस्यों के बारे में, ठीक है,
एक नजर डाल लेते हैं इनके सदस्यों के बारे में। इनके सदस्यों के बारे में हम ये भी आपको बताएंगे कि इनके सदस्यों से संबंधित सवाल कैसे कैसे पूछे गए हैं, उनको भी एक बार हम कवर करेंगे। तो 29 अगस्त 1947 को गठन हुआ। किस वजह से गठन हुआ? क्योंकि संविधान पर विचार विमर्श करने थे। तो सबसे पहले सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 सदस्य थे। नंबर ऑफ मेंबर 7 थे। कौन कौन से? पहली तो बात अध्यक्ष की, अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर सारी चीजें लिखी मिलती हैं। दूसरी चीज अगर बात करें, एन गोपाल स्वामी आयंगर, एन गोपाल स्वामी आयंगर इसके दूसरे सदस्य थे। तीसरे सदस्य के बारे में अगर हम बात करें, सैयद मोहम्मद सादुल्ला चौथे सदस्य के बारे में बात करें, डीपी खेतान, ठीक वही खेतान फैन। पांचवा वीएल मित्र। छठे जो इनके सदस्य बनाए गए थे प्रारूप समिति के, केएम मुंशी, कन्हैयालाल मनिकलाल मुंशी इनका पूरा नाम है, केएम मुंशी। और जो इसके सातवें सदस्य बनाए गए थे ये थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। सातवें सदस्य का नाम है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अब इनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अंबेडकर भारत के जाने माने बहुत अच्छे अधिवक्ता, बहुत अच्छे वकील, ठीक है। इन्होंने संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता की। दूसरे जो व्यक्ति हैं इसमें एन गोपाल स्वामी आयंगर, इनके बारे में यह है कि विभाजन से पूर्व ये जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री थे उस समय। आगे अगर हम देखें जो ये के एम मुंशी हैं, कन्हैयालाल मनिकलाल मुंशी, अगर इनके बारे में हम बात करें तो एक सवाल पूछता है कि ड्राफ्टिंग कमिटी का वह कौन सा सदस्य था जो कांग्रेस से संबंधित था? तो एकमात्र कांग्रेसी कौन थे? के एम मुंशी, कन्हैयालाल मनिकलाल मुंशी थे। इनके बारे में अगर और एक चीज आपको जाननी है तो ये बंबई के इससे पूर्व एक्स जो है होम मिनिस्टर थे, बंबई के इससे पूर्व एक्स होम मिनिस्टर थे। अन्य जो इनके सदस्य हैं उनके बारे में अगर हम देखें, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है सातवें नंबर पर जिनको मैंने लिखा है, ये अल्लादी स्वामी कृष्णा अय्यर ये जो थे ये मद्रास के एडवोकेट जनरल थे, ठीक है। यानी ये भी कानून से संबंधित व्यक्ति थे, मद्रास के एडवोकेट जनरल थे। अन्य जो व्यक्ति हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये सैयद मोहम्मद सादुल्ला जो व्यक्ति थे ये आसाम के आपके चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है आसाम के चीफ मिनिस्टर थे, सीएम थे, मुस्लिम लीग के ये सदस्य थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है। तो मुस्लिम लीग का कौन सदस्य था? सैयद मोहम्मद सादुल्ला। क्या थे इससे पूर्व? असम के सीएम थे, असम के सीएम थे। बीएल मित्र आपके एक ऐसे व्यक्ति हैं, बीएल मित्र ने जो है इस्तीफा दे दिया था अपने पद से, ठीक है। तो बीएल मित्र की जगह पर एन माधव राव को चुना गया था, बीएल मित्र की जगह पर एन माधव राव इनको चुना गया। ये पूछता है कौन से ऐसे दो सदस्य थे जिनकी जगह पर जो है बदलाव हुआ था? तो बीएल मित्र ने त्यागपत्र दे दिया था और उनकी जगह पर एन माधव राव को चुना गया। जो एन माधव राव थे ये वडोदरा के राजा थे, ठीक, उनके यहां पर ये विधिक सलाहकार के तौर पर इससे पहले कार्य करते थे। एन माधव राव वडोदरा के महाराजा के यहां विधिक सलाहकार के तौर पर कार्य करते थे। और दूसरी चीज, डीपी खेतान, इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। यह भी पूछता है कौन सा एक ऐसा सदस्य रहा जिसकी मृत्यु हो गई। तो इनकी जब मृत्यु हो गई तो मृत्यु होने के बाद इनकी एक तरीके से सीट खाली हो गई, तो इनकी सीट पर जिनको चुना गया था वो आपके थे टीटी कृष्णामाचारी या बीटी कृष्णामाचारी, ठीक है। टीटी कृष्णामाचारी इनके स्थान पर चुना गया, क्योंकि उनकी डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी तो इनकी मृत्यु के बाद इनके स्थान पर टीटी कृष्णामाचारी चुन के आए थे, ठीक है। तो दो व्यक्तियों ने इस्तीफा दिया था, एक की मृत्यु हो गई थी और दूसरे जो व्यक्ति थे वो उन्होंने
त्याग पत्र दिए दिया था डीपी खेतान, ये एक मशहूर वकील थे डीपी खेतान। तो हमने सदस्यों के बारे में बात कर लिया, सारे लोगों से अलग अलग संबंधित सवाल पूछता है, सवाल मैचिंग से पूछा था इसीलिए मैंने डिस्कस किया आपसे। जैसे एन गोपाल स्वामी एंगर के बारे में पूछा था कि इनका पेशा क्या था, इन्होंने कैसे कार्य किया, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये मैचिंग से संबंधित सवाल पूछा था इसलिए मैंने इनके कार्यों को भी आपके सामने रखा। अब मैं बात करता हूं इसके बाद की कि जो ये सारी कमिटी बनी ड्राफ्टिंग कमिटी, तो इसने अपना वर्क जब प्रारंभ किया तो आखिर जो वी एन राव ने 21 फरवरी 1947 को संविधान बनाया था उस संविधान पर ही इनको विचार विमर्श करना था, और प्रारूप समिति ने उस संविधान पर कार्य करके उसमें बहुत सारे सुधार करके एक नया प्रारूप संविधान का बनाया और उसको संविधान सभा के समक्ष रखा। तो इससे भी संबंधित सवाल आपसे पूछता है कि प्रारूप समिति ने फरवरी 1948 की बात है, प्रारूप समिति ने जब प्रथम प्रारूप संविधान का संविधान सभा के समक्ष रखा था, प्रथम प्रारूप बनाया संविधान का किसने, ड्राफ्टिंग कमिटी ने, और किसके समक्ष पेश किया, संविधान सभा के जो मेंबर्स थे। ठीक है, जब यह पेश हुआ तो आपसे पूछता है कि जब बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमिटी के द्वारा संविधान का प्रथम प्रारूप जो है संविधान सभा में रखा गया तो उसमें कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी, तो उस समय इसमें अगर हम देखें तो इसमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स थे 315 अनुच्छेद थे, और अनुसूचियों की संख्या पहले 13 थी वी एन राव ने जो बनाया था, इसमें अनुसूचियां आपकी आ गई कितनी, केवल 8 अनुसूचियां बची। ठीक है, 8 अनुसूचियां और 315 अनुच्छेद जब डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने किया था तो यह आ गई। अब हम बात करते हैं आगे, इसके बाद प्रथम प्रारूप आया, प्रथम प्रारूप पर क्या होना था, विचार विमर्श होना था, पुनः इसमें सुधार हुआ और 26 अक्टूबर की बात है। ठीक है, 26 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा के समक्ष पुनः इसको पेश किया गया। 26 अक्टूबर 1948 की डेट है जिस दिन संविधान सभा के समक्ष दोबारा इस संविधान के प्रारूप को प्रारूप समिति के द्वारा पेश किया जाता है। अब मैं बात करता हूं अंतिम प्रारूप की, क्योंकि इससे संबंधित सवाल पूछता है कि संविधान का अंतिम प्रारूप संविधान सभा के द्वारा किस दिन पेश किया गया, तो संविधान का अंतिम प्रारूप संविधान सभा के द्वारा 4 नवंबर 1948 को पेश किया गया था। 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा के समक्ष प्रारूप समिति के द्वारा अंतिम संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया गया। अब जब प्रारूप पेश कर दिए गए तो प्रारूप पर विचार विमर्श चलने लगा संविधान सभा में। ठीक है, संविधान सभा के जितने सदस्य थे उनके सामने हर एक आर्टिकल्स पर, हर एक शेड्यूल्स पर बात होने लगी, हर व्यक्ति से उसकी राय मांगा जाने लगा, और प्रारूप जब तैयार हो गए तो भारत के जितने जस्टिस थे, जितने भी आपके नॉलेजेबल पर्सन थे, कानून के जानने वाले थे, समाज को जानने वाले थे, उन सभी लोगों के पास ड्राफ्ट भेजा गया था, उन सभी लोगों से उनकी राय मांगी गई थी कि हमारा संविधान जो बनना है यह संविधान कैसा है, इस पर टिप्पणी दे, ठीक है, सुधार क्या हो। तो 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में प्रारूप समिति के द्वारा अंतिम प्रारूप संविधान का पेश हुआ। अब ड्राफ्टिंग कमिटी के द्वारा तैयार किए गए संविधान पर विचार विमर्श यानी वाचन प्रारंभ हुआ। तीन वाचन बहुत महत्वपूर्ण है, तीन वाचन हुए थे, चलिए उन तीनों वाचन को देख लेते हैं, बहुत लंबा चला था। ठीक है, इनमें से वाचन को देखना इसलिए जरूरी क्योंकि एक बार पूछा है कि सबसे लंबा वाचन कौन सा रहा। ठीक है, विचार विमर्श जो हुआ तो दूसरा आपका ऐसा वाचन है जो सबसे लंबा चला था। प्रथम वाचन अगर देखें तो ये 4 नवंबर 1948 से लेकर के, ठीक है, वाचन का अर्थ होता है विचार विमर्श। ठीक है, किस पर विचार विमर्श, जो ड्राफ्टिंग कमिटी ने संविधान बना के रखा 4 नवंबर 1948 पर, उस पर विचार विमर्श। ठीक है, प्रथम सबसे पहले तीन वाचन है आपके, प्रथम वाचन किस दिन शुरू हुआ, प्रथम वाचन जिस दिन 4 नवंबर को इन्होंने रखा था उसी दिन से स्टार्ट होता है 4 होता है, और यह केवल 9 नवंबर 1948 तक चला। ठीक है, बहुत छोटा सा शेड्यूल रहा। दूसरा वाचन जो चला संविधान सभा का यानी विचार विमर्श शुरू हुआ, यह वाचन सबसे लंबा था।
ठीक है, इससे संबंधित सवाल पूछे गए हैं। तो दूसरा वाचन बहुत लंबा था, ये 15 नवंबर 1948 से शुरू हुआ और 17 अक्टूबर 1954 जो है 49 तक चला। 15 नवंबर 1948 से शुरुआत हुआ और 26 अक्टूबर 1949 तक चला, 1949। तो आप देख सकते हैं ये बहुत लंबा रहा, यानी एक तरीके से सॉरी 17 अक्टूबर है इसकी डेट, 17 अक्टूबर 1949 तक चला। 15 नवंबर 1948 से शुरू होता है, 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है। यह संविधान का द्वितीय वाचन था, यह सबसे लंबा वाचन रहा, इस चीज को अपने दिमाग में रखें। सबसे लंबा वाचन विचार विमर्श कौन सा रहा, दूसरा रहा। अगर हम बात करें तृतीय की, तीसरे की, तीसरा जो वाचन चला, तृतीय वाचन चला, इसके बारे में अगर हम बात करें तो तीसरा वाचन शुरू होता है आपका, देखिए ये जो दूसरा वाचन था इसमें 7653 के करीब संविधान संशोधन सुलझाए गए, ठीक है, सारे सदस्यों ने सुझाया, लगभग 7500 से ऊपर थे संविधान संशोधन, लेकिन सभी पर विचार विमर्श नहीं हो पाया, सभी पर बदलाव नहीं हो पाया, लगभग 2000 के करीब, ठीक है, 2000 से कुछ ज्यादा है, उतने पर ही केवल जो है संशोधन हो पाया, क्योंकि नंबर ऑफ जो आपका अमेंडमेंट था ये बहुत ज्यादा था। तीसरा जो वाचन चला, तृतीय वाचन एक तरीके से जो है संविधान सभा का, ये आपका 14 नवंबर से स्टार्ट हुआ, 14 नवंबर 1926 से और ये सॉरी 1949 से 14 नवंबर 1949 से शुरू होता है और 26 नवंबर 1949 तक चला, ठीक है, 26 नवंबर 1949 तक चला, कौन सा आपका तृतीय वाचन। हालांकि ये डेट आपको 17 नवंबर भी लिखे मिलेगी, लेकिन एक्चुअल डेट आपकी 14 नवंबर है, ठीक है, 14 नवंबर 1949 से शुरू होता है, 26 नवंबर 1949 को चला, 26 नवंबर 1949 एक प्रस्ताव पारित किया गया संविधान सभा में और संविधान को उसी दिन अंगीकृत एक तरीके से किया गया। 26 नवंबर 1949 में एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था, यह पूछता है 26 नवंबर 1949 को एक हस्ताक्षर अभियान चला था, सिग्नेचर कैंपेन चलाया गया, ठीक है, हस्ताक्षर अभियान चला। इस हस्ताक्षर अभियान पर उस दिन संविधान सभा में मौजूद कितने सदस्य थे, 284 सदस्यों ने हिस्सा लिया था, हस्ताक्षर किया था, यह पूछा है 284, ठीक है, कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में संविधान के प्रारूप को अंगीकृत करने पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, तो 284 व्यक्ति थे जिन्होंने हस्ताक्षर किया। दूसरा एक क्वेश्चन यहां से पूछता है कि उस दिन महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, ठीक है, महिला सदस्य इस दिन कितनी मौजूद थी, या 8 सदस्य केवल मौजूद थी, ठीक है, संविधान सभा में 15 महिलाएं थी, 8 महिला सदस्य इसमें मौजूद थी उस दिन, किस दिन, 26 नवंबर 1949 को, और 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है, मतलब 26 नवंबर 1949 बीत ही गया, आज भी 26 नवंबर आता है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल डे के तौर पर मनाते हैं, इससे भी सवाल पूछा गया है। दूसरी चीज, 26 नवंबर 1949 को ही 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे, 16 अनुच्छेद इसी दिन से प्रभावी हो जाते हैं, नागरिकता से संबंधित थे, संसद से संबंधित थे, ठीक है, अन्य आपके कई ऐसे अनुच्छेद थे जो इसी दिन से प्रभावी हो गए थे, 16 अनुच्छेद। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछता है कि 26 नवंबर 1949 के दिन कितने अनुच्छेद लागू हो गए थे, तो वो आपके थे 16 अनुच्छेद, ठीक है। चलिए अब इसके बाद इसमें अगर हम बैठकों की संख्या देखें तो 12 बैठकें हुई थी, जो अंतिम बैठक थी संविधान सभा की वो आपकी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। कुल बैठकों की संख्या कितनी है, 12, कुल बैठकें 12 हुई, अंतिम बैठक किस दिन हुई, 24 जनवरी 1950 को हुई थी अंतिम बैठक हुई। इसी दिन सदस्यों ने क्या किया, अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर चुना गया, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के द्वारा भारत के प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर चुना गया। संविधान सभा को किस में परिवर्तित कर दिया गया, विधायिका के तौर पर परिवर्तित कर दिया गया, अब उसका कार्य हो गया
कानूनों का निर्माण करना। प्रारूप समिति के अलावा बहुत सारी समितियां हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, वो आपका नेक्स्ट लेक्चर में होगा कि प्रारूप समिति के अलावा कौन कौन सी रही। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को जरूर शेयर करें और लगातार आपकी जो शंकाएं हैं उनके निराकरण के लिए आप व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करें। आप हमें हमारे यबिक ग्रुप से भी जरूर जुड़े, उसमें बताएं अपनी समस्याएं, आप पर्सनली कॉल करें, ठीक है। और जो नोट्स हैं इनकी, वो नोट्स मैं आपको शेयर करता रहूंगा, ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ लें और सफलता की ओर आप अग्रसित रहें। धन्यवाद।